आज हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। हम जानते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं, उसको चार्ज देते हैं, तो चार्ज सारा का सारा एक साथ न तो उसको दिया जा सकता है, न ही एक साथ चार्ज उससे लिया जा सकता है। मतलब हम सेगमेंट्स में उसको चार्ज प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम किसी भी कंडक्टर को फर्स्ट सेगमेंट देते हैं तो कोई उसका अपोजिशन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पहले से कोई चार्ज है ही नहीं। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट सेगमेंट जाता है, फोर्स ऑफ प्रपल्शन डेवलप हो जाता है, प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है, जिसके अगेंस्ट हमें उसको चार्ज देने में वर्क करना पड़ता है। वो उसके अंदर पोटेंशियल के फॉर्म में डिपॉजिट होने लगता है। तो जैसे जैसे हम चार्ज देते जाएंगे, वैसे वैसे जो कंडक्टर है उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। मीन्स द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल। जैसे जैसे चार्ज अमाउंट हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। और क्यू इक्वल्स सी वी और सी इक्वल्स क्यू अपॉन वी। यहां पर ये जो सी है ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट कहलाता है, समानुपातिक नियतांक है। यही चालक का कैपेसिटेंस या हिंदी में इसको चालक की धारिता कहलाता है। ऐसे यूनिट की बात करें तो Q चार्ज है, कूलम में मेजर करते हैं, V वोल्ट है, पोटेंशियल है, वोल्ट में मेजर करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो कैपेसिटेंस है उसकी ऐसे यूनिट हो जाएगी कूलम पर वोल्ट और फेरेड। फेरेड को कैपिटल F से इंडिकेट किया जाता है। इस डेफिनेशन, इस फॉर्मूले से अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें व्हाट इज वन फैरेड, देन इन दिस एक्सप्रेशन एफ क्यू इक्वल्स वन एंड वी इक्वल्स वन, देन सी इक्वल्स वन अपॉन वन, दैट इज वन। इट मीन्स व्हाट इज वन फैरेड, किसी भी कंडक्टर को अगर हम 1 कूलम चार्ज देते हैं और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 1 फेरेड होगी। इफ ऑन गिविंग चार्ज 1 कूलम टू एनी कंडक्टर इट पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय 1 वोल्ट, देन द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज सेट टू बी 1 फेरेड। ये जो फेरेड है ये बड़ी यूनिट है, इस वजह से जनरली छोटे यूनिट्स मिली फेरेड, हेंस 10^-3 फेरेड, माइक्रो फेरेड, मीन्स 10^-6 फेरेड, नैनो फेरेड, मीन्स 10^-9 फेरेड, पीको फेरेड, मीन्स 10^-12 फेरेड, इन यूनिट्स का यूज़ किया जाता है। ये जो कैपेसिटेंस है जिसको हिंदी में धारिता कहते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? ये जो फॉर्मूला है इसमें सी कैपेसिटेंस है, क्यू चार्ज है, और चार्ज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ET होता है, अपॉन वी पोटेंशियल है, पोटेंशियल के लिए वर्क अपॉन चार्ज होता है, मीन्स ML2T-2, ये वर्क हो गया, अपॉन चार्ज, चार्ज के लिए वापस से ET। देयरफॉर सी इक्वल्स, ये ऊपर जाएगा, M-1 L-2। अब यहाँ पर ET भी ऊपर चला जाएगा तो T^2 हो जाएगा, और ये माइनस भी ऊपर चला जाएगा तो T^4 प्लस की होगी। ये कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। अब हम एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालेंगे। To calculate capacitance of a spherical conductor, it is supposed that, as shown in diagram, there is a spherical conductor of radius capital R and center O. Q charge is given to it, which is evenly distributed on its surface.
हमने क्या माना है कि एक कैपिटल आर रेडियस का स्फेरिकल कंडक्टर है, गोली या चालक है, जिसको हमने क्यू आवेश दिया है, जो इसके ऊपर समान रूप से वितरित हो जाता है। कंडक्टर है, चार्ज दो भी देंगे इसके ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, ये जो इसका सरफेस है उसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी। इनको हम रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करें तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये सेंटर ओ से आ रही है, मीन्स इट अपीयर्स दैट द होल चार्ज इज सिचुएटेड एट पॉइंट ओ। इन दैट कंडीशन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर, इस स्फेरिकल कंडक्टर के गोलीय चालक के पृष्ठ पर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल V इक्वल्स 1/4 πε0 Q/R होगा। नाउ इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर, वी नो दैट सिंस कैपेसिटेंस इक्वल्स टू Q/V, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। C equals Q upon 1/4 πε0 Q/R, R is cancelled out, or C equals 4 πε0 R। यहां पर हमने क्या माना है कि जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम है, तो ऐसी कंडीशन में जो कैपेसिटेंस है वो स्फेरिकल कंडक्टर के रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स जैसे जैसे आप इस स्फेरिकल कंडक्टर के रेडियस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी, ये और ज़्यादा जो चार्जेस है उनको होल्ड कर पाएगा। यहाँ अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करें, एयर या वैक्यूम की जगह हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लें, तो ऐसी कंडीशन में इस स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा उसको इस तरह से लिखा जा सकता है C equals 4 πε0 εr R। यहां पर ये एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, कुछ बुक्स में इसकी जगह K भी लिखा जा सकता है कैपिटल K। तो रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से क्या हुआ, कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन।